शेर हो या चूहा, जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी और फैमिली के लिए। सुबह उठते हैं सूरज के साथ, जिनकी ज़िंदगी और मौत दोनों साथ चलती हैं। एक गलत एक्टिविटी और सब कुछ खत्म, डी एंड। इसे हम रिलेट इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही चल रही है, जहाँ कब क्या और क्यों हो रहा है कुछ नहीं पता। ऐसी एक वेब सीरीज सोनी लिव लेकर आया है तब्बर, जिसका मीनिंग है फैमिली। इसके लिए बंदा किस हद तक जा सकता है, इसी पागलपन को 8 एपिसोड में उतारा गया है। और इसे देखने से पहले मेरी कुछ बातों को एडवाइस नहीं वार्निंग समझकर देखना। सो फैमिली के बयान जरूर है, लेकिन फैमिली इंजॉयमेंट हंसी मजाक जैसा कुछ भी नहीं है। अगर सीधे अगर मैं कहूँ तो कमजोर दिल वालों के लिए कतई नहीं है। क्या फ़ायदा कि आप अपनी एक आंख बंद कर इसे देखें। ये शो खून खराब से भरा पड़ा है और बिना वार्निंग के कब क्या दिखा दिया जाए इसका भी कुछ पता नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा संभल कर देखना। काली अंधेरी डरावनी रात, चारों तरफ से जंगल, जंगल के बीच में एक कार और कार के अंदर बैठे हैं पति पत्नी। उनके सामने एक लाश पड़ी है जिसका मुंह ढका हुआ है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि आगे करना क्या है इसका। बस एक ही चीज़ है, दिल में डर, थोड़ा सा डर लगा ना। तो आइए मिलते हैं हम फैमिली मैन से, ओमकार सिंह। ये भैया थे पुलिसमैन, लेकिन अभी भी इन्हें अपनी नौकरी से रिजाइन किया है। क्यों किया इसके पीछे काफ़ी एक बड़ी कहानी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो इसे खुद पता लगाना। बाकी का आंटी हाउस वाइफ है, ये अपने हाथ से खाना नहीं बनाती बल्कि जादू करती है। कुक एक्सपर्ट भी इनके सामने फीका पड़ जाएगा। बाकी का इनका दूसरा काम है फैमिली मैन के सभी मेंबर से काफ़ी प्यार करना, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बड़ा बेटा है जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, उसका सपना है उसे IPS बनना है। अब सपना हो या हकीकत, उसे तो बनना ही है, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत। अभी तो आपने इनकी तारीफें सुनी है, अब थोड़े से सीक्रेट भी सुन लो। सामने वाले अंकल हैं, उनकी एक बेटी जिनसे इनका चल रहा है इलू, लेकिन टाइम पास वाला नहीं, पूरे सीरियस है, शादी भी करेंगे और एंजॉय भी। अब मिलते हैं सबसे छोटे सदस्य, इनके छोटे भाई से। हमारी बिरादरी के ही हैं, इन्हें यूट्यूब पे बनना है सिंगर, बट नशेड़ी दोस्तों के साथ। लेकिन अब सिंगिंग कम हो रही है और धुएं के छल्ले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब तक इन सबकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। अंकल जी की एक दुकान थी, शॉप साबुन वाली, जो घर पे पैसे की ज़रूरतों को करती थी पूरी। इनकी ज़िंदगी यूँ ही अच्छी चलती रहती अगर शहर में ना होता ये खतरनाक मर्डर, वो भी पता है किसका। शहर के सबसे पावरफुल आदमी अजीत फोड़ी के छोटे भाई, जिन पर ये लिटलेरी अपनी जान लुटाते थे, अब उनकी जान निकल गई। छोटे भाई की मरी हुई बॉडी को देखकर इनने डिसीजन लिया है कि अब जिसने भी ये किया है उसे सजा तो मिलेगी, और सबसे खतरनाक वाली, जिसे पूरा शहर याद रखेगा। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री जैसे कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो ये परफेक्ट है गुरु आपके लिए। और हाँ, ये एकदम जलेबी की तरह है, कभी इधर तो कभी उधर, इसके बीच में चलती हुई चाशनी हमारे दिमाग की तरह है, जो ये फैसला ही नहीं कर पाएगी कि कौन गलत है कौन सही है, किसे जिताएं किसे हराएं। ये सवाल आपको लास्ट तक गोल गोल घुमाते ही रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शो के सेंटर पर 3P का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा, परिवार, पॉलिटिक्स और पावर। उसके ऊपर से एक्टर ऐसे जो रील को रियल बनाना जानते हो। राइटिंग भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग फॉर्मेट में लिखा गया है, जहाँ पर देखो वहाँ खून बह रहा है, जिसे देखो वो खूनी लगता है, और यही कन्फ्यूजिंग शो को काफ़ी बेस्ट बनाती है। जैसे जैसे इंसान स्क्रीन पर आते हैं लगता है ये दूसरे की जान ले सकते हैं। सबके अपने अपने डार्क सीक्रेट हैं, सबके अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है और अपने दिमाग के थॉट्स हैं, काफ़ी खतरनाक, जो आपको और मुझे रियल लाइफ में भी काफ़ी डरा देंगे। दृश्यम देखी है आपने, आपको यहाँ पर काफ़ी बार उसकी याद आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी फैमिली को सेंटर में रखा गया है। जनाब सिर्फ फैमिली को बचाना है, बाकी का कुछ भी हो, चाहे किसी की जान लेनी हो या फिर अपनी जान देनी हो, ओमकार साहब पीछे नहीं हटने वाले। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, अपना हो या पराया, भगवान ईश्वर कुछ भी हो, नो मैटर्स, ओनली गाइस फैमिली इज मैटर। डायरेक्टर भैया ना जाने क्या सोचते हैं, जो इतना डिस्टर्बिंग शो बना डाला है। वैसे खून करावा तो हम हर जगह देखते हैं, लेकिन किसी की मौत को नाच गाने के साथ सेलिब्रेट करना, ये एक्सपीरियंस थोड़ा नया था, काफ़ी डर लगता है इससे। डायरेक्शन का लेवल इतना ऊपर है कि एक छोटे से कौए को ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि जब भी वो स्क्रीन पर आता है तो आपके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और सांसें बढ़ जाते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो गुरु ऐसा करो, इस वीडियो को देखने के बाद इसका ट्रेलर जरूर जाकर देखना। 2 मिनट के ट्रेलर में अगर 2 घंटे का फील ना आए तो फिर आकर कहना। बाकी का मैं चलता हूँ, लेकिन चैनल को अभी भी आपकी सपोर्ट का इंतजार है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो और इसे आगे ग्रो भी करवाओ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, और आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते। टेक केयर एंड बाय बाय।